मेरा नाम है सारिका सक्सेना। मैं आज आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने YouTube चैनल सारिका सक्सेना के लिए, जो कि 2.25 लाख से पार हो चुका है, जिसके सब्सक्रिप्शंस ऑलमोस्ट 2,15,000 से अबो हो चुके हैं। तो ये जो प्यार और ये जो सपोर्ट आप सब ने मेरे लिए किया है, इन सब के प्रति मैं आज बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, कृतज्ञ। क्या हम आज इस क्षण में अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं अच्छी, हमने उन्हें थैंकफुलनेस भेजी है? हम उनके प्रति ग्रेटफुल हैं या नहीं हैं? तो जब भी हम जीवन में दुखी होते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस क्षण में, इस मोमेंट में हम अपने लाइफ के प्रति ग्रेटफुल नहीं फील कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके पास घर है, आप काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के पास वैसे तो कुछ ना कुछ होता है थैंकफुल होने के लिए, कुछ तो मिल ही जाएगा। पर क्योंकि माइंड का एक नेचर है कि वो नेगेटिव चीज़ों को पहले पकड़ता है, उसे पहले देखता है, तो ये जो टेंडेंसी है नेगेटिव चीज़ों को पकड़ने वाली या देखने वाली, ये कैसे बदली जाए? ये ऐसे बदली जा सकती है कि जो भी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हैं, पहले तो आप अगर अपने घर में हैं या नहीं हैं तो अपने घर पे जाइए, अपनी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखें, अपने लोगों को बड़े ध्यान से देखें और उनसे जुड़ें, उनसे कनेक्ट हो जाएं। जब भी आप कुछ देर अपनी आंखें किसी भी व्यक्ति या वस्तु पे केंद्रित करते हैं, तो आपका फोकस वहाँ जाने लगता है, आपका कनेक्शन हो जाता है उस चीज़ से। इसी तरह हम ब्रह्मांड के तमाम कणों से, वस्तुओं से, नेचर से, लोगों से, सबसे जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को, वो जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उसका ध्यान भी आपकी तरफ आने लगेगा, उसका सपोर्ट आपकी तरफ आने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोगों से, अपनी चीज़ों से कनेक्ट करें। कुछ तो होगा आपके पास जिससे आप अपने लाइफ में ग्रेटफुल फील करें। अगर आप दुखी हैं तो बहुत बड़ा रीज़न है कि इस वक्त आप अपने लाइफ में ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे, कृतज्ञ महसूस नहीं कर रहे अपनी चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए। कुछ तो अच्छा होगा जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, हर किसी के जीवन में होता है, बस चीज़ इतनी है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने जीवन की जो अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप उनको बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ही आप इस माइंडसेट को बढ़ाने लगते हैं, ग्रेटफुलनेस को बढ़ाने लगते हैं, कृतज्ञता का भाव आपके अंदर बढ़ने लगता है, वैसे ही आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, अबंडेंस बढ़ने लगता है, प्रोस्पैरिटी बढ़ने लगती है, संपन्नता बढ़ने लगती है, धन्यता बढ़ने लगती है। तो अपने जीवन के प्रति धन्य हो जाएं, धन्यता का जो भाव है उसको महसूस करें, उसे आने दें। सबसे पहले तो अपने मन को शांत करें, उसके बाद इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। अपने घर में जाइए, अपनी वस्तुओं को देखें, अपने चीज़ों को देखें, अपने सामान को देखें, अपने लोगों को देखें, सबसे कनेक्ट करें। ये जो चीज़ आपको दिखाई देती है कि जो इसमें जीवन नहीं है, ये सच नहीं है। जो जड़ दिखाई देती है वस्तु, क्या उसमें जीवन नहीं है? वो जड़ अवस्था में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जीवन नहीं है। उसमें भी तो एटम्स काम कर रहे हैं, वो किस चीज़ से मिलके बनी है। तो हर चीज़ यहाँ पे एक एनर्जी कैरी करती है, वाइब्रेट करती है, हर किसी चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है। उससे जुड़ें, अपने घर से जुड़ें, अपनी चीज़ों से जुड़ें, अपने कपड़ों से जुड़ें। ऐसा होता है ना कि कभी कभी एक ही कपड़े को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे ज़्यादा पहनते हैं, आपका कनेक्शन है उसके साथ। चीज़ें जो आप पसंद करते हैं, कलर्स जो आप पसंद करते हैं, फ़ोटो फ्रेम आप पसंद करते हैं, मूर्तियाँ पसंद करते हैं, तो कुछ भी जड़ नहीं है यहाँ पे। बस बात इतनी सी है कि आपको उससे कनेक्ट करना है,
अच्छी चीज़ों से कनेक्ट करें, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग को डेवलप करें, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं, धन्यवाद का भाव रखें और देखिए आपके लाइफ में जो धन्यता है वो बढ़ने लगेगी, अबंडेंस बढ़ने लगेगा लाइफ में, करके देखें।